जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी जलवायु विज्ञान में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पार्ट नंबर 16 है। इसमें हम लोग देखेंगे आज स्थानीय विंड के बारे में, मतलब आपको देखने को मिलेगा स्थानीय पवन ही है उनको हम देखेंगे, लोकल विंड को, काफी इंपॉर्टेंट आपको ये लेसन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने क्या क्या यहाँ पर देख लिया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम स्थानीय भवनों की बात करें तो आपको स्थानीय भवने तो बहुत सारी देखने को मिलेंगी कि नहीं, काउंट करना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो बहुत ही मेन मेन होती है वो हमें पढ़नी होती है। तो हम जो मेन मेन है उनको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं स्थानीय भवनों के बारे में, और किस तरह से आपको चीजें पढ़नी होती है, किस तरह से याद करनी होती है, वो सब आपको यहाँ पर आप बताएंगे। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें पवनों की, ओके अगर हम बात करें पवनों की मतलब विंड्स की बात करें, ओके तो देखिए पवन है, हम आपको बताए थे कि ये तीन प्रकार की आपको समानता हम इन्हें तीन भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो देखिए एक आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं स्थानीय पवन, सॉरी आपको पहला देखने को मिलेगा स्थाई पवन, स्थाई पवन। ओके देखिए जो स्थाई पवने होती हैं जिन्हें परमानेंट विंड्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनके लिए भूमंडलीय पवनों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा वर्ष भर एक निश्चित दिशा में लगभग में चलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें स्थाई पवन यानी कि परमानेंट विंड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जिन्हें बोलते हैं स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। देखिए स्थानीय जो पवने होती हैं ये आपको देखने को मिलेगा एक निश्चित क्षेत्र में चलती हैं, छोटे क्षेत्र में चलती हैं, तो उन छोटे क्षेत्रों में किसी समय विशेष में चलती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इन स्थानीय पवनों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो तीसरी जो पवने होती है उनमें दैनिक पवने आती हैं, दैनिक पवने, व आपको देखने को मिलेगा जो मौसमी पवने होती है, मौसमी पवने होती है वे आपको देखने को मिलेगी। जैसे दैनिक पवने होती है जैसे कि दिन और रात में एक स्थानीय प्रभाव के कारण, जैसे ताप और दाब में भिन्नता के कारण ही चलती है, जैसे जहां पर तटवर्ती क्षेत्र होता है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा समुद्री समीर और स्थल समीर देखने को मिलेगा। इसी तरह से जहां पर पर्वत और घाटियां होती है वहां पर पर्वतीय समीर और घाटी समीर वो चलती है। तो ये क्या होती है आपको दिन में देखने को मिलेंगी, मतलब दिन को दूसरी चलती है रात को दूसरी चलती है, तो इन्हें दैनिक पवनों का नाम दे दिया जाता है। मौसमी पवने वे पवने होती हैं जो किसी मौसम विशेष में चलती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवन, मानसूनी पवन क्या है एक मौसम विशेष में चलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मौसमी पवन। तो देखिए स्थानीय पवनों के अंतर्गत हम आपको बताए थे तीन प्रकार की, जिसमें एक थी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, ओके तो व्यापारिक पवनों के बारे में हम आपको बताए थे। दूसरा हम बताए थे पछुआ पवनों के बारे में, पछुआ पवन, ओके पछुआ पवनों के बारे में बताए थे। और तीसरा आपको बताए थे ध्रुवीय पूर्वी पवन, ओके देखिए ध्रुवीय पूर्वी पवन है इसके बारे में हम आपको पढ़ाए थे। ओके तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, किस तरह से इनकी शिफ्टिंग होती है वो भी हम आपको बताए थे, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, स्थानीय पवन। चलिए देखते हैं हम लोकल विंड के बारे में, ओके लोकल विंड के बारे में हम देखते हैं, जो लोकल विंड्स होती है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। तो विश्व भर में बहुत सारी चलती हैं, जैसे भारत में भी एक आपको काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी लू, गर्मियों के मौसम में लू चलती है। तो अगर आप लोग भी उत्तर भारत से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि मम्मी कहती है बेटा अभी दोपहर में बाहर घूमने मत जाओ, लू चल रही है, लू लग जाएगी। और पापा और मम्मी डांटते रहते हैं कि अच्छे से कपड़े पहन के बाहर निकलो वरना लू लग जाएगी। ओके तो आपने वो मूवी भी देखी होगी सन्नी देओल की, वो प्याज रख करके घूमता है कहता है लू नहीं लगेगी हमको। ओके तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। तो इन्हीं सभी पवनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं लोकल विंड्स के बारे में। देखिए लोकल विंड्स होती हैं ये आपको देखने को मिलेगा कि ये है छोटे क्षेत्रों में चलती हैं, नंबर एक इनकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है छोटे क्षेत्रों में चलती हैं। ओके और आपको देखने को मिलेगा इन छोटे क्षेत्रों में ताप और दाब, ताप एवं दाब होती है इनमें प्रबलता उत्पन्न, प्रबलता का मतलब क्या है हम आपको बताए थे, ताप में जब अंतर होता है तो उससे क्या होती है तापीय प्रबलता उत्पन्न होती है। इसी तरह से अगर भिन्न भिन्न दाब पाए जाते हैं तो उससे दाब प्रबलता उत्पन्न होती है। ये पहले ही हम सारी चीजें आपको पढ़ा चुके हैं तो बार बार आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ताप और दाब प्रबलता के कारण
ये उत्पन्न होती हैं। अगर हम पवनों की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि पवन कैसे चलती हैं। तो देखिए, एक जगह पवनों के चलने के लिए क्या चाहिए, एक जगह हमको चाहिए हाई प्रेशर चाहिए। तो देखिए, एक जगह हमको हाई प्रेशर चाहिए तो अपेक्षाकृत दूसरी जगह ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो लो प्रेशर दूसरी जगह हमको लो प्रेशर मिल गया। लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है जहां पर वायु है वो अधिक मात्रा में, एकदम सिंपल सा समझ लीजिए, जहां पर वायु ज्यादा है वहां पर क्या बनेगा, उच्च वायु दाब बनेगा, और जहां पर वायु कम है तो वहां पर क्या बनेगा, निम्न वायु दाब बनेगा, यानी कि लो प्रेशर का निर्माण होगा। अब जाहिर सी बात है कि किधर से किधर पवन चलेगी, तो पवन हमेशा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्यों चलेगी, क्योंकि भाई ज्यादा से कम की ओर ही तो प्रभाव होता है, जाहिर सी बात है। तो देखिए, अब ज्यादा से कम की ओर जाएगा यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब वायु का प्रभाव होता है, क्षैतिज प्रभाव होता है, तब उसी को हम क्या बोल देते हैं, पवन बोल देते हैं। ओके, इसी वायु के क्षैतिज प्रभाव को, क्षैतिज प्रभाव को क्या बोल देते हैं हम, पवन, यानी कि विंड का नाम दे देते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर एक ग्लोबल लेवल पे बन रहा था, अभी हम क्या देख रहे थे, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर था, ये ग्लोबल लेवल पे बन रहा था। इनमें हम आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाए थे, ओके, इस तरह से पृथ्वी बनाए थे, इधर 0 डिग्री बनाए थे, फिर 30 डिग्री बनाए थे। तो इस तरह से हम आपको दिखाए थे कि 0 डिग्री के पास में आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, तो 30 डिग्री से आपको देखने को मिलेगा विषुवत रेखा के क्षेत्र में इस तरह से पवने चल रही थी, जिनको हमने व्यापारी पवन नाम दिया। यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चल रही थी, लेकिन एक ग्लोबल लेवल पे चल रही थी। लेकिन यही हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको स्थानीय स्तर पर भी तो देखने को मिलेगा। क्यों, स्थानीय स्तर पर भी आपको भिन्न भिन्न ताप, भिन्न भिन्न ताप के कारण भिन्न भिन्न दाब भी बनेंगे। तो इस कारण अगर यही हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर हमें छोटे जगह पर देखने को मिल जाए, ओके, तो छोटी जगह पर देखने को मिल जाए, तो छोटी जगह में उसी क्षेत्र में सिर्फ पवन उत्पन्न हो जाती है, तो इसी को नाम दिया जाता है स्थानिक पवने। और स्थानिक पवने हैं, हम इन्हें दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा स्थाई पवने हैं, इन्हें हमने 3 भागों में बांट करके देखा, और स्थाई पवने स्थानीय पवने होती है, इन्हें हम 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। या तो ये गर्म पवने होंगी, या फिर आपको देखने को मिलेगा ये ठंडी पवने होंगी। तो हम एक बार अध्ययन करेंगे गर्म पवनों का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग अध्ययन करेंगे ठंडी पवनों का अध्ययन करेंगे, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पवनों के बारे में। तो स्थानीय पवनों में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है गर्म पवन, ओके, गर्म पवन। कौन कौन आ गया है एक बार मैसेज करें, क्योंकि अब यहां से जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। मैसेज करें एक बार कौन कौन आ गया है। तो देखिए, ये चीज आपको देखने को मिलेगी गर्म पवन। हम कौन सी गर्म पवने देख रहे हैं भाई, जो स्थानीय गर्म पवने हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम गर्म पवनों में देखें तो आपको बहुत सारी पवने देखने को मिलेंगी। तो नंबर एक आपको इसमें देखने को मिलेगी चिनूक, ओके, कौन सी, चिनूक। अभी सभी पवनों के बारे में वन बाय वन आपको पढ़ाएंगे भी। अच्छा, गर्म पवन किसे कहते हैं, गर्म पवन आपके सुन के ही आपको लग रहा होगा कि गर्म पवन हम उसे बोलेंगे जिसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं होता है भाई। गर्म और ठंडी का क्या मतलब होता है, ये सापेक्षिक होती है, क्या होती है, सापेक्षिक होती है। जैसे चिनूक पवन है इसका जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, इसका टेम्परेचर 4.5 डिग्री से कम ही देखने को मिलेगा, मतलब कभी 2 डिग्री सेल्सियस होता है, 3 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4.5 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये आपको देखने को मिलेगा 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही इसका तापमान होता है, फिर भी हम इसे क्या बोल रहे हैं, गर्म पवन बोल रहे हैं। तो गर्म पवन का ये तात्पर्य नहीं है कि गर्म पवन है तो इसकी जो हीट होगी, मतलब इसके अंदर जो तापमान होगा वो लगभग में इसका तापमान 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास होगा, नहीं। ये हम इसे गर्म पवन की श्रेणी में क्यों रख दिए, हम इसलिए रख दिए क्योंकि जहां पर पवन ये चलती होगी वहां का तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता होगा। यानी कि अगर उस क्षेत्र के तापमान, जैसे कि मानते हैं एक क्षेत्र है, ये क्या है, एक क्षेत्र है, और ये क्या है, एक क्षेत्र है भाई, ओके। अब इस क्षेत्र का तापमान अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, कितने डिग्री सेल्सियस है,
डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए 5 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस में एक पवन चली, तो दूसरे कलर से हम दिखाते हैं इस तरह से क्या चली, पवन चली। और अगर इस पवन का दो कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, अगर इस पवन का अगर तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो, अगर 2 डिग्री सेल्सियस हो तो हम क्या बोल देंगे, इस पवन को बोल देंगे ठंडी पवन बोल देंगे, क्योंकि हम किससे तुलना कर रहे हैं, हम तुलना करेंगे भाई इस क्षेत्र से, तुलना करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र का तापमान लगभग में कितना है और फिर इस पवन का कितना है। पवन का अगर कम है तो हम उसे ठंडी पवन बोल देंगे, और अगर इस पवन का तापमान, दूसरी कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन में अगर ऐसी कोई पवन यहां से चल रही हो जिसका तापमान मानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस हो, मानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस हो, तो आपको देखने को मिलेगा, हम बोल देंगे ये कौन सी पवन है भाई, आपको देखने को मिलेगा एक गर्म पवन है। पहली पवन कौन सी थी, ठंडी पवन थी, दूसरी कौन सी थी, गर्म थी। यानी कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो पवन 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की होगी उसे हम गर्म पवन बोल देंगे, 15 डिग्री सेल्सियस से कम की होगी उसे ठंडी पवन बोल देंगे, नहीं, इस सब कुछ आपको अपेक्षाकृत देखने को मिलेगा। जैसे एक और आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे क्या है, ये क्या है, दूसरा क्षेत्र है, ये क्या है, दूसरा क्षेत्र है, ये सेकंड क्षेत्र है। अब मानते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ओके, मानते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, मतलब मरुस्थल वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर कोई पवन है, पवन आकर के चली, ओके, ये क्षेत्र का तापमान कितना था, लगभग में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अब ये जो पवन है यहां से चली और मानते हैं इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, अब आप कहेंगे ये तो गर्म पवन होनी चाहिए भाई, 30 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है तो ये गर्म पवन होनी चाहिए, नहीं, हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र से तुलना करेंगे भाई, इस क्षेत्र से तुलना करके बताएंगे कि ये क्या है भाई, हम इसको ठंडी की श्रेणी में रख देंगे, ओके। तो इस तरह से तुलना की जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई इतने से ज्यादा होगी तब हम इसे गर्म में, इतने से कम होगी तो ठंडी में, कोई भी नहीं, ये क्या होता है, सब सापेक्षिक होता है, क्या होता है, सापेक्षिक होता है, मतलब तुलनात्मक होता है, तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं और बताते हैं कौन सी पवन गर्म है, कौन सी पवन ठंडी है, ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं थोड़ा सा पवनों के बारे में, ओके, चलिए क्लियर हो गया। तो देखिए, एक आपको देखने को मिलेगी चिनूक पवन, और दूसरी पवन आपको देखने को मिलेगी ये गर्म पवनों के अंतर्गत ही आती है जिसको बोलते हैं फोन, ओके, और आपको एक देखने को मिलेगी गर्म पवनों के अंतर्गत आती है सिराकू, सिराकू, ये भी काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा हरमट्टान, हरमट्टान आपको देखने को मिलेगी, और एक आपको देखने को मिलेगी लू, तो लू तो हमारे भारत में ही चलती है। अब इनको वन बाय वन हम सभी के बारे में आपको पढ़ाते हैं अच्छे से, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिनूक पवन के बारे में, तो नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली पवन जो गर्म पवन है स्थानीय पवनों के अंतर्गत, इसमें हम देखने जा रहे हैं चिनूक पवन, और चिनूक पवन कहाँ पर चलती है ये आपको मैप पर लोकेट करना है, और इसका जो रीजन है वो हम आपको बताते हैं, सभी पवनों के बारे में बताएंगे, एकदम परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस अच्छे से आप लोगों को सुनते हुए चलना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि एक आपको पर्वत देखने को मिलेगा, और ये पर्वत कौन सा है, कोई सा भी पर्वत हो सकता है, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम चिनूक पवन की बात कर रहे हैं, तो अभी भूल जाइए कि चिनूक पवन है। अगर ऐसी स्थिति कहीं भी उत्पन्न होगी तो समझ लीजिए कि इसी प्रकार से पवन है वो अपना व्यवहार करेगी, तो पवन का व्यवहार सेम ऐसा ही रहेगा। पहले भी एक बार चिनूक पवन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाए थे, ओके, लेकिन ये चिनूक पवन है ये कहाँ उत्पन्न होती है, ये आपको देखने को मिलेगा यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में उत्पन्न होती है, ओके। तो देखिए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इधर रॉकी पर्वत, ओके, एक क्या है भाई, रॉकी पर्वत है। अब आप लोगों के लिए अभी हम रॉकी पर्वत के बारे में नहीं बताए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होने, घबराना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि इधर जो अमेरिका है इस तरह से, देखिए इस तरह से ये आपको कुछ अमेरिका देखने को मिलेगा, और ये वाला क्षेत्र है, देखिए बड़ा सा लाइन खींच देते हैं ना तो ये हैंग कर जाता है थोड़ा सा हमारे कंप्यूटर। तो देखिए, जो ये वाला क्षेत्र है ना, इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रॉकी पर्वत देखने को मिलेगा, तो इधर से ये पवन इस तरह से जाती है और इस क्षेत्र में चलती है, और ये
ये जो क्षेत्र है, एक घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? पेरी घास का मैदान, कौन सा? पेरी घास का मैदान। और ठंड के मौसम में आपको देखने को मिलेगा ये पेरी घास का मैदान है, ये ठंड के मौसम में मतलब ठंडी के मौसम में ये बर्फ से ढक जाता है, मतलब पूरा बर्फ बर्फ यहाँ पर जम जाती है। लेकिन जब ये पवन है चलती है जिसका नाम है चिनूक, क्या नाम है? जिसका नाम है चिनूक पवन है, जब ये चलती है और ऐसे पर्वत से ऊपर से जाती है और नीचे से उतरने के बाद जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तब इसका टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ा देती है, इस क्षेत्र का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती है। और इस पवन में, इस पवन का तापमान कितना होता है लगभग में आपको देखने को मिलेगा 3 से लेकर के 4.5 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है, कभी कभार इससे भी कम होता है। लेकिन आप लोगों को पता है जो बर्फ होता है, वो अगर हम उसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका तापमान अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये बर्फ किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है भाई। यानी कि जो बर्फ से ढका हुआ मैदान होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? जल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जल होता है वो हल्के हल्के बह के निकल जाता है, लेकिन मैदान क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। और इसी घास के मैदान में जब ये बर्फ है समाप्त हो जाती है, समाप्त होने का कारण क्या है? ये चिनूक पवन है, जिस कारण आपको देखने को मिलेगा कि ठंडी के मौसम में यहाँ पर कृषि के लिए बहुत ही अनुपयुक्त, जो उपयुक्त यहाँ पर दशाएं उत्पन्न होती हैं। और कृषि में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा गेहूं की खेती होती है वो काफी अच्छी होती है, और आपको देखने को मिलेगी गेहूं की उत्पादकता भी यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। कारण क्या है? चिनूक। लेकिन ये चिनूक पवन है कि भाई इसी क्षेत्र में चल रही है, और इसी क्षेत्र में चल रही है तो इसका तापमान कैसे बढ़ गया? आखिर इसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग आ गया, ऐसा कौन सा इसके पास जादू का चिराग आ गया कि इसके इसके तापमान में वृद्धि हो गई? अब इसके तापमान में कैसे वृद्धि हुई, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसके तापमान में कैसे वृद्धि हुई और इसने यूएसए और कनाडा वालों के लिए मालामाल कर दिया, वरना क्या हो जाते, वो भूखों मर जाते, क्योंकि वहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाता, पूरा पेरी का मैदान था वो ठंड से ही बर्फ से ढका रहता और वो कृषि नहीं कर पाते, और भारत जैसे देशों के ऊपर वो बाद में निर्भर हो जाते। आपको देखने को मिलेगा हमारा देश आजाद हुआ तब गेहूं गेहूं हम किससे मंगाते थे? यूएसए से मंगाते थे। अगर ये सोचिए, अगर जब हम खाद्य सुरक्षा हमारे पास नहीं थी भारत के पास और हम यूएसए पर डिपेंड थे, लेकिन यहाँ पर चिनूक पवन नहीं होती है, चिनूक मोहतरमा यहाँ पर नहीं होती तो क्या होता? इसका तापमान कभी बढ़ता नहीं और यहाँ पर कभी मौसम साफ नहीं होता, मतलब जो क्षेत्र होता वो साफ साफ नहीं होता, तो यहाँ पर एक गेहूं उगा नहीं पाते, तो ये भारत को भी गेहूं नहीं दे पाते, भारत की भी मदद नहीं होती। तो ये देखिए हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट थी भाई कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा बाबा थे, वो भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का गेहूं खाए हैं, तो हो सकता है कि आपके दादा परदादा और जो लोग हैं वो हो सकता है कि यहाँ के गेहूं खा करके बड़े हुए हों और फिर आपके मम्मी पापा को पैदा किए हों, फिर उसके बाद आपका जन्म हुआ हो, यानी कि आप भी इस भूमि से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो देखा, सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। लेकिन भाई अब देखते हैं जो ये चिनूक मोहतरमा है इनका कैसे तापमान बढ़ गया। तो देखिए, जब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऊपर देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि जब इस क्षेत्र के ऊपर आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? लिख लीजिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम कल या परसों ही आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे किस तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो वातावरण के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जब चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तब आपको देखने को मिलेगा इधर से आपको पश्चिम, ये कौन सा भाग है, ये आपको देखने को मिलेगा ये पश्चिम का साइड है भाई, यानी कि वेस्ट का साइड है, और इधर आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा साइड है, ये पूरब का साइड है, मतलब ये कौन सा है भाई, ईस्ट दिशा है। यानी कि जैसे अभी हमने आपको दिखाया था ना मैप पर, वैसे अब समझिए इधर से क्या चलती है, पवन चलती है। अब ये देखिए क्या चल रही है, पवन चल रही है, पवन चुपचाप जा रही थी। अब जा रही थी तो हमने आपको बताया था जब हम आपको वर्षा पढ़ा रहे थे कि अगर वायु है, अगर वो आर्द्र वायु है, अगर आर्द्र वायु है उसके रास्ते में कोई अवरोध आ जाएगा तो वो क्या करेगी बेचारी, मजबूर है पवन, वो ऊपर उठने लगेगी। जब ऊपर उठेगी तब आपको पता है जब वायु हल्के हल्के ऊपर उठती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आने के कारण
वायु है वो हल्के हल्के क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। अब देखिए जब ये वायु भी ऊपर जाएगी, ये भी क्या होगी, विरल होगी, मतलब इसमें क्या होगा, प्रसार होगा। अगर इसमें प्रसार होगा तो इसमें एडियाबेटिक आपको कूलिंग देखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है तो वो परेशान ना हो कि ये पवन है एडियाबेटिक कूलिंग किया, एडियाबेटिक हीटिंग किया। तो अगर आप फिर भी हमारे सारे लेक्चर देख लेंगे तो आपको एकदम हलवा की तरह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सभी लेक्चर होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं। ओके, तो देखिए जैसे जैसे पवन ये आगे बढ़ेगी, तब आपको पता है इसमें जब वायु है, जब ये वायु है, ये वायु जब ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी तब आपको पता है इसमें प्रसार होगा। ओके, क्या होगा, इसमें प्रसार होगा, और प्रसार होने के कारण आप लोगों को पता है कि इसमें एडियाबेटिक कूलिंग का प्रोसेस होगा। क्या होगा, एडियाबेटिक कूलिंग का प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक कूलिंग का मतलब क्या है, रुद्धोष्म दर से इसके तापमान में कमी आएगी। जब इसमें एडियाबेटिक कूलिंग होगा तो हल्के हल्के वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। जब वायु संतृप्त हो जाएगी एडियाबेटिक कूलिंग की वजह से तापमान में कमी आएगी। अगर तापमान में कमी आएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्षित आर्द्रता है वो बढ़ेगी तो वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। अगर वायु है वो संतृप्त हो जाए तो आपको पता है, हम आपको बताए थे, संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। किसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और संघनन से क्या बनता है, बादलों का निर्माण होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो एक स्टेप ऐसी आती है, एक जगह ऐसी आती है जहां के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से वायु में संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, मतलब इस तरह से बादलों का निर्माण होने लगता है। यानी कि जब ये बादलों का निर्माण होगा तो यहाँ पर बादलों के निर्माण होने से क्या होगी, वर्षा होगी। यानी कि जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो वाष्प किसमें बदलता है, जल में बदलता है। तब आपको देखने को मिलेगा जब वाष्प है, जब वो जल में बदलेगा, तब हम आपको बताए थे वाष्प के अंदर क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस को आप समझिए, इधर बता देते हैं, ये रॉकी जी के पास में बता देते हैं भाई। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संघनन की प्रक्रिया हो रही है, ध्यान से देखिएगा, संघनन की प्रक्रिया हो रही है। संघनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो वाष्प होती है मतलब जल वाष्प होती है वो किस में परिवर्तित होती है, जल या हिम में परिवर्तित होती है। हम आपको बताए थे जल या हिम में परिवर्तित होती है, और वाष्प में हम आपको बताए थे कि गुप्त ऊष्मा उपस्थित होती है। क्या होती है, इसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, इसके अंदर उपस्थित होती है। अब जब वाष्प है वो जल में कन्वर्ट हो रही है तो उसके अंदर उपस्थित गुप्त ऊष्मा होती है वो भी रिलीज होती है, वो भी निकलती है, किस रूप में निकलती है, संवेदनशील ऊष्मा के रूप में। ओके, संवेदनशील ऊष्मा के रूप में निकलती है, मतलब आपको देखने को मिलेगा सेंसिबल हीट के रूप में। यहां पर मानते हैं इस तरह से, ये मानते हैं जो व्हाइट कलर से हम बता रहे हैं, तो ये समझ लीजिए तापमान है। क्या है, तापमान है। अब देखिए जब यहाँ पर वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तो इस वायु में उपस्थित आर्द्रता है वो निकल जाएगी। जब आर्द्रता निकल जाएगी तो ये वायु है हल्के हल्के थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे कलर से बनाते हैं, फिर इसी कलर से। अब वायु है वो यहाँ पर थी, लेकिन इस वायु को पुनः यहाँ पर तापमान मिल जाता है। यहाँ पर तापमान किससे मिलता है, गुप्त ऊष्मा से मिलता है। ये गुप्त ऊष्मा होती है यही किसमें बदल जाती है, संवेदनशील ऊष्मा में बदल जाती है, और यही संवेदनशील ऊष्मा है ये वायु का थोड़ा सा तापमान बढ़ा देती है। ये वायु का क्या कर देती है, थोड़ा सा तापमान बढ़ा देती है। यानी कि संघनन की प्रक्रिया के बाद वायु है अगर उसके तापमान में वृद्धि हो रही है, उसका कारण क्या है, जो गुप्त ऊष्मा है वो जल वाष्प के अंदर से रिलीज हुई है संवेदनशील ऊष्मा के रूप में, और वही ऊष्मा इस वायु के तापमान में वृद्धि कर देती है। और जैसे ही इस वायु के तापमान में वृद्धि होगी क्या हो जाएगी, गर्म होगी वायु। तो आपको पता है वायु अगर गर्म होती है तो हल्की होती है, और हल्की होगी तो ये क्या हो जाएगी, फिर से ऊपर उठने लगेगी। क्या होगी, ये वायु फिर से ऊपर उठने लगेगी और पर्वत की चोटी के ऊपर पहुंच जाएगी भाई। अब देखिए यहाँ पर वायु थोड़ी सी गर्म होकर के जैसे तैसे ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर चक्रवात का प्रभाव होता है। हल्के हल्के फिर ये आपको देखने को मिलेगा पूर्वी ढाल से इस तरह से उतरने लगती है पवन। अब बिचारी आपको देखने को मिलेगा ये पवन जब उतरती है,
जब उतरेगी तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सतह के समीप आ रही है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वायुमंडल की जो सघनता है वो भी तो बढ़ेगी ना। ऊपर क्या है, वायुमंडल है वो बिरल बिलर है, मतलब दूर दूर पाया जाता है वायु के जो कण है, ओके थोड़ा सा बिलर है। लेकिन आप नीचे देखेंगे यहाँ पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, मतलब डेंसिटी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी नीचे जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे ये पवन नीचे उतरेगी तब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आइडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होगा। क्या होगा, आइडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होगा और आइडियाबेटिक हीटिंग की वजह से इसके तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, इसीलिए ये पवन क्या होती है थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो दो कारणों की वजह से, एक तो यहाँ पर इधर इसको ऊष्मा मिली थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी ऊष्मा इधर कहाँ मिलती है जब ये पवन नीचे आती है, यानी कि पवन है इसका अवरोहण होता है, अवरोहण के समय वायु है वो विरल वायुमंडल से सघन वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो सघन वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण यहाँ पर आपको आइडियाबेटिक हीटिंग की वजह से इसके तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, और साथ में थोड़ा बहुत ये यहाँ से घर्षण भी करती है, मतलब इस सतह से, पर्वत की सतह से थोड़ा बहुत घर्षण भी करती है, जिस कारण थोड़ा सा इसको और तापमान बढ़ता है, और थोड़ा थोड़ा इसका तापमान बढ़ के लगभग में इसका तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है। और फिर जब ये नीचे जाती है तो सतह से टकराती है, सतह से टकराने के बाद इधर जो पेरी का क्षेत्र होता है, पेरी घास का मैदान होता है, यूएसए और कनाडा वाले क्षेत्र में ये जाकर के फैल जाती है और उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ा देती है, यानी कि इसका तापमान 0 डिग्री से प्लस है, तो प्लस होने के कारण ये बर्फ को पिघला देती है और यूएसए वालों के लिए मालामाल कर देती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया चिनू पवन के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके इतना बताइएगा मैसेज करके। आज और सारे लोग कहां चले गए, मतलब ऐसे इतने सारे लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, आज बहुत कम लोग क्लास ज्वाइन किए। देखिए ये सारी चीजें आपको समझ में आई, तो देखिए चिनू पवन तो हमने समझ लिया, चिनू पवन है कहां पर चलती है, तो आपको देखने को मिलेगा जो यूएसए वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, कनाडा वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो पेरी घास का मैदान है वहां पर ये चलती है, और ये अपेक्षाकृत कैसी है, गर्म आपको देखने को मिलेगी। ओके तो चिनू पवन के बारे में आपको जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगी, या फिर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आपको लिखा देते हैं। ओके तो देखिए इसके बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि जो चिनू पवन है, ओके नंबर एक इसका तापमान कितना होता है 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ओके टेम्परेचर होता है। नंबर दो, ये पेरी घास के मैदान में इसका जो प्रभाव होता है वो आपको देखने को मिलेगा पेरी घास के मैदान में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसके समय की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो समय होता है वो कब होता है, ठंड के मौसम में, मतलब शीत आयनांत के समय, ओके शीत आयनांत के समय आपको देखने को मिलेगा, मतलब ठंडी के मौसम में ये चलती है। ओके इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसको ऊष्मा कहाँ से मिलती है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ से, मतलब इसको मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा एक संघनन की प्रक्रिया के बाद यानी कि संघनन तल से ऊपर ओके ऊपर आपको देखने को मिलेगा गुप्त ऊष्मा के कारण थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और दूसरा इसका जो तापमान का जो सोर्स होता है वो आपको देखने को मिलेगा जो आइडियाबेटिक ऊष्मन के कारण इसका जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके तो ये आपको कारण आपको देखने को मिलेंगे। ओके चलिए हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं। ओके देखिए इसके लिए एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी लिख लीजिए। इसको देखिए एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको हिम भक्षणी भी बोलते हैं। हिम भक्षणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हिम होता है भाई उसका ये भक्षण कर लेती है। तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी पवन है वो हिम भक्षणी है, तो पूछा जा सकते तो आप लोग बता दीजिएगा। ओके
तो एक आपको देखने को मिलेगा, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम से भी जाना जाता है हिम भक्षणी। ओके, और अगर इसके क्षेत्र की बात करें वो तो आपको पता है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, छठा पॉइंट यहाँ पर जगह नहीं है हमारे पास में, यूएसए प्लस कनाडा वाला क्षेत्र है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग दूसरी पवन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ओके, दूसरी पवन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। ये भी कौन सी पवन है, ये भी आपको गर्म पवन देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं फोन। इसको इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कई प्रकार से किया जाता है। ओके, इसको बोलते हैं फोन बुक भी बोलते हैं, जिसको फोन भी बोलते हैं, ओके, और फोहान भी बोलते हैं इसको। ओके, तो कई नामों से इसको जाना जाता है। तो देखिए ये कहाँ चलती है, ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगी। जैसे सेम प्रोसेस जो रॉकी पर्वत में हम आपको बताए थे, वही सेम प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ पर एटलस पर्वत जो आपको यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सॉरी एटलस नहीं, आल्पस पर्वत आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पर्वत है। ओके, ये कौन सा है, आल्पस पर्वत है। ओके, कौन सा पर्वत है, ये आपको आल्पस पर्वत देखने को मिलेगा। देखिए इसी आल्पस पर्वत में इधर क्या है, दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है, मतलब आपको साउथ वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इधर आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, मतलब आपको उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वो पवन किधर से आ रही थी, पश्चिम से आ रही थी, यानी कि पश्चिमी ढाल से चढ़ रही थी, और उतर कहाँ पर रही थी, पूर्वी ढाल पे उतर रही थी। और ये कौन से ढाल से चढ़ती है, ये आपको देखने को मिलेगा, दक्षिणी ढाल से चढ़ती है, और उतरती कहाँ पर है, उत्तरी ढाल की ओर उतरती है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए इसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, जब जब ये चलती है तब यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अवस्था उत्पन्न हो रखी होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय चक्रवात के कारण यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा कि लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ से क्या होता है, हल्के हल्के इस तरह से जो पवन होती है वो जाती है, तो सेम प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से जाती है और जाएगी तो एक ऐसा तल आएगा, संघनन तल प्राप्त हो जाएगा। जब संघनन तल मिल जाएगा तो वहां पर बादलों का निर्माण होगा, बारिश होगी, तो आपको देखने को मिलेगा मध्य भाग में, पर्वतों के मध्य भाग में वर्षा भी कराएगी। तो यहाँ पर इस तरह से बादलों का निर्माण होगा और वर्षा भी होगी, लेकिन फिर से आपको देखने को मिलेगा जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो वहां से गुप्त ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब गुप्त ऊष्मा उत्पन्न होगी तो यही गुप्त ऊष्मा है, ये वायु को आगे गर्म कर देगी। जब ये गर्म कर देगी तो ये पवन होगी, फिर से वायु होगी, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने के बाद इस तरह से दूसरे ढाल से उतरना प्रारंभ करेगी। जब दूसरे ढाल से उतरना प्रारंभ करेगी तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आइडियाबेटिक हीटिंग का प्रोसेस होगा, तो आइडियाबेटिक हीटिंग की वजह से इसके तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो तापमान है, ओके, इसका जो तापमान है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, लगभग में आपको देखने को मिलेगा इसका तापमान है वो 3.5 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। ओके, नंबर एक। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये किस समय चलती है, ये शीतकालीन समय में चलती है। ओके, कब, शीतकालीन समय में, शीतकालीन समय में यानी कि ठंड के मौसम में। जैसे जो चिनूक पवन है वो भी ठंड के मौसम में चलती है, ये पवन है ये भी आपको देखने को मिलेगा ठंड के मौसम में चलती है। ओके, और जो ये जो आपको देखने को मिलेगा जब ये पवन चलती है, मतलब फुहान, तो ये जो स्विट्जरलैंड वाला आपको क्षेत्र क्षेत्र देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, उस क्षेत्र को गर्म कर देती है, और इसका जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो यूरोप में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। ओके, जो स्विट्जरलैंड है और साथ में फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, कि उसके लिए ये पवन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न कर देता है। ठंड के मौसम में यहाँ पर बहुत ठंडी का मौसम पड़ता है, बर्फ वर्फ जमी रहती है, लेकिन इस पवन के कारण थोड़ी सी यूरोप वासियों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर सुकून महसूस होता है, थोड़ी सी अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए ये जो पवने होती हैं, स्थानीय पवने होती हैं, कितना महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। अगर हम देखें तो जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा इनका आर्थिक महत्व भी बहुत देखने को मिलेगा। आर्थिक महत्व, जैसे चिनूक के बारे में बताए, उसका आर्थिक महत्व क्या है,
आपको देखने को मिलेगा कि उसी की वजह से कि वहां पर एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वरना वहां पर जो किसान है वो क्या हो जाते, बहुत गरीब हो जाते भाई। ओके, क्योंकि वहां पर कृषि नहीं करते तो क्या करते बेचारे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली वाली। ओके, अगली वाली हम लोग देखते हैं, तीसरी जो गर्म पवन है उसके बारे में देख लेते हैं, जिसका नाम है सिराकू। ओके, सिराकू। ओके, देखिए जो सिराकू है इसी के कारण आपको रक्त वर्षा मतलब खूनी वर्षा भी देखने को मिलेगी। इसी सिराकू पवन के कारण ही क्या होता है, रक्त वर्षा होती है मतलब खूनी वर्षा होती है, खूनी वर्षा होती है। ओके, या फिर इसको रक्त वर्षा भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ब्लड रेन कैसे होती है सिराकू पवन के द्वारा। सिराकू पवन क्या है, इतनी खतरनाक दिख रही है, मतलब ब्लड रेन की मतलब ऊपर गिर गया तो खून ही खून, तबाही तबाही। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये देखते हैं कि कैसे ये खूनी वर्षा कराती है, कहाँ पर कराती है, किधर से चलती है, सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा शीतकालीन समय में ही चलती है। तो देखिए एक मैप बनाते हैं आप लोगों के लिए भी, मैप इसी तरह से बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। ओके, देखिए इतना ही मैप बनाना है। एक्चुअली जब भी हम लंबी लाइन इसमें खींचते हैं थोड़ा सा हैंग कर जाता है, वेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बेचारा अपने आप खींचता रहेगा। आप लोगों के लिए इतना समझ में तो आ रहा है, फिर आपको बताते हैं खूनी, आज खूनी खून हो जाएगा हर जगह। ओके, देखिए यहाँ भारत तक ये बन गया है, आगे तो नहीं बनाएंगे वरना दिक्कत आ जाएगा इसमें बोट में। तो देखिए इधर आपको इस तरह से यूरोप देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह से कुछ आपको यूरोप देखने को मिलेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर है। ये वाला पार्ट कौन सा है, भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये पानी पानी है भाई। ओके, क्योंकि इसी से क्या होगी भाई, रक्त वर्षा होगी। यहाँ से जो ये अभी पवन जाएगी वो क्या कर लेगी, थोड़ा सा आर्द्रता ग्रहण कर लेगी रास्ते में। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, अच्छे से समझिएगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। अब मौसम कैसा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, शीतकालीन समय है। मतलब शीतकाल का मतलब क्या है, शीतकाल का मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, यानी कि ठंडों के मौसम में टेम्परेचर यानी कि सूर्य तप कम प्राप्त होता है। आप लोग वो हम पढ़ाए थे, तो सूर्य तप यहाँ पर कम प्राप्त होगा, और आपको पता है मरुस्थली क्षेत्र है तो वो ठंडों में ज्यादा ठंड हो जाते हैं और गर्मियों में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि रेत किस प्रकार से बर करती है तो आपको बताए थे, रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा जो रेगिस्तान है वो रात में तो ठंडे होगी, बहुत ठंड वहां पर पड़ेगी, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा हीट कर जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और इधर क्या है भाई, ये सहारा डेजर्ट है। ओके, सहारा मरुस्थल है। इसी सहारा मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पर तापमान कम है, तो तापमान कम है तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि हाई प्रेशर का निर्माण होता है। अब हाई प्रेशर कहाँ लिखे, नीचे लिख दें आप लोग, ऊपर लिख लीजिएगा। ओके, देखिए ये जो सहारा डेजर्ट है यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर बन जाता है। और आपको बताए थे कि पानी कैसा व्यवहार करती है, पानी उल्टा व्यवहार करती है, पानी का अपेक्षाकृत तापमान ज्यादा रहेगा। अगर हम स्तर की तुलना, सब कुछ तुलनात्मक होता है, सापेक्षिक होता है, तो देखिए इस जल का तापमान क्या देखने को मिलेगा, अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलेगा, किसकी तुलना में, सहारा डेजर्ट में बने जो वायु दाब होता है उसकी तुलना में। तो इसीलिए सहारा डेजर्ट में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और जो भूमध्य सागर है तो भूमध्य सागर में आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। अब देखिए जहां हमको लो प्रेशर मिल गया, अब हाई प्रेशर मिल गया, तो आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस सहारा डेजर्ट से, सहारा मरुस्थल से ये लो प्रेशर की ओर, भूमध्य सागर की ओर पवने चलना प्रारंभ करेंगी। जब ये पवने जाती हैं तो इस मरुस्थल से
अपने साथ में धूल कण लेकर के जाती है। वो कौन से धूल कण होते हैं? लाल रंग के धूल कण होते हैं। किस रंग के? ये जब जाती हैं यहां से जो पवन चलेगी, यही पवन क्या है? स्थिराकू पवन है। ये अपने साथ में धूल कण लेकर के जाती है, धूल कण लेकर के जाती है। अब देखिए, जब ये धूल कण अपने साथ में लेके जाती है और जब ये जाती होती है तो भूमध्य सागर से जब ये होकर के गुजरती है, तब ये रास्ते में भूमध्य सागर से, यही पवन, ये भूमध्य सागर है ना, यहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। देखिए, मरुस्थल में तो जो पवन होती है वो शुष्क होती है, वहां पर तो जल नहीं है, जल वाष्प नहीं है, लेकिन जब ये रास्ते में जा रही होती है तो रास्ते में पड़ता है इसको भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर से क्या ले लेती है? ये भूमध्य सागर से आर्द्रता ले लेती है। जब भूमध्य सागर से आर्द्रता ले लेती है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यूरोप में, मतलब जो ये जो इस भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपको इटली देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा बारिश इटली में ही कराती है, और आपको स्पेन में भी देखने को मिलेगा। देखिए, तो जो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर इटली बा स्पेन, तो इटली और स्पेन में ये वर्षा कराती है। ओके, क्या कराती है? वर्षा कराती है, लेकिन वर्षा तो कराती है, वर्षा के साथ में होते हैं धूल कण, जो कहाँ से गए होते हैं, जो अफ्रीका से गए हुए होते हैं, और इनका कलर कैसा होता है? लाल धूल कण होते हैं। तो बारिश होती है तो वो लाल रंग की बारिश होती है। किस कलर की होती है? लाल रंग की, लाल रंग की वर्षा होती है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं? खूनी वर्षा, रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। कब ये चलता है ये हमने सब कुछ आपको बता दिया है, और ये काफी ज्यादा हानिकारक आपको देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में, काफी ज्यादा ये जो होती है, अगर हम पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वनस्पति होती है उसके लिए सबसे ज्यादा घातक होती है ये वाली जो वर्षा आपको देखने को मिलेगी, तो ये काफी घातक देखने को मिलेगी। यही जो पवन चल रही है सहारा डेजर्ट से भूमध्य सागर की ओर, इसी को बोलते हैं सिराकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिराकू बोलते हैं। कब चलती है, कैसे चलती है, ये चीज आपको बता चुके हैं। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं हरमट्टान के बारे में। देखिए, इनके बारे में जो डिटेल है वो भी आप लोगों के लिए सेंड कर दी जाएगी, आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सिर्फ समझ लीजिए इसके बारे में जो भी हम बताते हैं वो। अगर छोटा छोटा नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं करना चाहते तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं चौथी जो गर्म पवन है उसके बारे में, जिसको बोलते हैं हरमट्टान। ओके, हरमट्टान आपको देखने को मिलेगी। देखिए, हरमट्टान है ना, इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक तो आपको इतनी घातक देखने को मिलेगी, खतरनाक देखने को मिलेगी, जो जो वहां के जो पर्यावरणीय के लिए इतनी ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन जो हरमट्टान है ये लोगों के लिए वरदान है। ओके, जो गिनी के लोग होते हैं ना उनके लिए वरदान है, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। आखिर इसे डॉक्टर पवन क्यों बोलते हैं? तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसको डॉक्टर पवन क्यों बोलते हैं। जैसे आपको देखिए चिनूक बताए थे उसको क्या बोलते हैं? हिमबक्षड़ी बोलते हैं। इससे पहले जो आपको पढ़ाए थे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं रक्त वर्षा वाली जो पवन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर पवन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इसे डॉक्टर पवन क्यों बोलते हैं और ये कहाँ पर चलती है, कैसे चलती है। तो देखिए, इस तरह से ठंड के मौसम में ही ये चलती है, फिर से हमको उसी मैप की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो चलिए बनाते हैं। कंप्यूटर हैंग नहीं करना चाहिए, आप लोग इस तरह से मैप बनाते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप लोग मैप बनाना सीख देंगे। ओके, तो मैप बनाना आप लोग कोशिश करिएगा कि मैप आप लोग अपने हाथ से ही बनाएं। ओके, इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है इधर, और इधर आपको म्यांमार वाला जगह, इधर आपको चीन सागर पड़ गया, इधर आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, रसिया वाला क्षेत्र है, साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ऊपर पहुंच गए। अब ये हल्के हल्के बना देगा, इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये मेडागास्कर है। ओके, ये बेचारे हैंग कर गया, रुक जाइए एक सेकेंड। एक्चुअली ये वाला बोट है, जो ये बोट हम जो बाई किए हैं, इस बोट में एक समस्या है, इसमें अगर हम बहुत लंबी लाइन खींचते हैं ना तो बेचारे हैंग कर जाता है, पता नहीं क्यों, ये बोट इतना ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, हम ऐसी अनजानी लाइन खींच देते हैं, हम वो दिखता ही नहीं है कि हम बोर्ड पे क्या खींच रहे हैं। देखिए, अभी अभी बहुत लंबी लाइन खींची हुई है, अभी बनेगा, थोड़ी देर में अपने आप बन जाएगा, बन जाने दीजिए बेचारा, अभी
तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आपको बताते हैं डॉक्टर पवन के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। अभी भी बेचारा सही नहीं हुआ है। ओके, लाइन खिंच गई है। ओके, मेडागास्कर कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मिटा लेंगे नहीं, वरना क्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी इसमें। तो देखिए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? सहारा डेजर्ट है। देखिए, इस बार हम सहारा डेजर्ट नाम नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए क्या है, इधर सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर ही क्या होता है, ठंड के मौसम में, ये कौन से समय है? शीतकालीन समय है, शीतकालीन समय आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, शीतकालीन समय यानी कि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम के समय आपको स्थलों का तापमान कम देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत। तो देखिए, इस क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलेगा हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, इधर कुछ ज्यादा ही बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा कम जगह बनानी चाहिए थी। तो देखिए, ये हाई प्रेशर यहाँ पर बनता है, कौन सा क्षेत्र है? आपको सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, लिख लीजिए सहारा मरुस्थल। ओके, तो ये सहारा मरुस्थल है। ओके, ये वाला जो क्षेत्र है इधर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा, इधर है गिनी। ये क्या है? इधर एक गिनी देश है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा, जो ये क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है, देखिए कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा, इक्वेटर के समीप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इतनी ज्यादा आर्द्रता होती है जिस कारण यहाँ पर बहुत सारी मौसमी बीमारियां फैल जाती हैं। क्या फैल जाती है? बहुत सारी मौसमी बीमारियां फैल जाती हैं, और ये काफी ज्यादा आपको घातक देखने को मिलेंगी, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देता है, क्योंकि जैसे आप लोग देखा होगा, जब हमारे यहाँ बरसात का मौसम आता है तो आपको देखने को मिलेंगे कि सर्दी जुकाम प्रारंभ हो जाता है, इचिंग होने लगती है, सर्दी जुकाम मलेरिया डेंगू सब फैल जाता है। तो ये सोचिए, यहाँ पर भी वैसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। किस कारण? आर्द्र वायु होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिड वायुमंडल यानी कि एटमोस्फियर, यहाँ का एनवायरमेंट पाया जाता है। तो ये एनवायरमेंट होता है, ये ज्यादा अनुकूल नहीं होता है मानव के लिए। लेकिन क्या होता है, एक यहाँ पर पवन चलती है, जो कौन सी होती है? हरमट्टान पवन चलती है। कहाँ से? इस जगह से चलती है, देखिए व्हाइट कलर से आपको दिखाते हैं, इधर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जलीय क्षेत्र है। क्या है? जलीय क्षेत्र है, और आप लोग जानते हैं कि जलीय क्षेत्र का तापमान है वो आपको देखने को मिलेगा ठंड के मौसम में अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है भाई। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से पवने चलती हैं। क्या चलती हैं? पवने चलती हैं, इसी पवन को बोलते हैं हरमट्टान पवन बोलते हैं। और ये पवन किधर से आ रही है? ये पवन मरुस्थल से आ रही है, और ये आपको देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत थोड़ी सी गर्म होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा ये ड्राई होती है, मतलब शुष्क होती है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसका? शुष्क होना। शुष्क होना यानी कि जब ये शुष्क पवन इस क्षेत्र में आती है तो इस क्षेत्र में आर्द्रता को कम कर देती है, आर्द्रता कम हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर जो मौसमी बीमारियां होती हैं, इसी शुष्कता के कारण यहाँ पर जो मौसमी बीमारियां फैली हुई होती हैं, मौसमी बीमारियां बीमारियां फैली हुई होती है ना, वो सही होने लगती हैं। ओके, सही होने लगती हैं, जिस कारण इसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। कितनी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने समझ लिया हरमट्टान के बारे में, इसको डॉक्टर पवन क्यों बोलते हैं, कहाँ से चलती है, तो सहारा मरुस्थल में चलती है, किस समय चलती है? शीतकालीन समय में चलती है, और ये आपको गर्म और साथ में आपको शुष्क देखने को मिलेगी। ओके, और इस क्षेत्र में क्या कर देती है? इस क्षेत्र में ये काफी अच्छे से ये सारी चीजें कर देती है। चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हरमट्टान के बाद, हम लोग देखते हैं एक और पवन के बारे में,
जो आपको देखने को मिलेगा अरब में, जो अरब वाला क्षेत्र है वहां पर ये पवन चलती है, जिसको बोलते हैं हबू पवन। ओके, ये कौन से नंबर की? पांचवें नंबर की है हबू पवन, आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो हबू पवन है ये भी अपेक्षाकृत आपको गर्म पवन देखने को मिलेगी। ये किस रीजन में चलती है? ये भी उसी रीजन में चलती है। देखिए जगह होगी तो वहां पर ही बना देता है, जगह नहीं है कोई बात नहीं। ओके, तो फिर से मैप बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए ये वाला आपको रीजन देखने को मिलेगा। देखिए इस वाले रीजन में अभी बोर्ड थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको क्या हो गया? एक सेकंड। तो देखिए ये वाला आपको रीजन देखने को मिलेगा, इस रीजन में चलती है ये जो हबू पवन है, जो अरब वाला क्षेत्र है ना यहाँ पर चलती है। तो देखिए हबूब, इसका जो अर्थ होता है, जो हबू पवन है यहाँ पर चलती है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपको देखने को मिलेगा पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला। ओके, और जो ये पवन है, ये पवन आपको देखने को मिलेगा कि मई से, मतलब मई से सितंबर के बीच में इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि मई से सितंबर के बीच में हबू पवन यहाँ पर चलती है। ये जो हबू पवन होती है ये आपको देखने को मिलेगा, धूल भरी आंधियां होती है, मतलब बहुत भयानक आंधियां होती हैं। आप लोगों ने कभी मूवी देखी होगी, अरब वाली अगर कोई मूवी देखी होगी उसमें देखा होगा कि रेत की बहुत बहुत बड़ी ऐसी आंधियां चलती हैं, जिसमें वो लोग क्या हो जाते हैं, कभी कभार दब भी जाते हैं, बरखान बन जाते हैं, उसमें टिल्ले बन जाते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो यही धूल भरी आंधियां ही चलती हैं इसके कारण, धूल भरी आंधियां चलती हैं, आंधियां चलती हैं। और देखिए कभी कभार इन धूल भरी आंधियों के साथ में बहुत तीव्र वर्षा भी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत अल्प समय के लिए होती है, लेकिन विद्युत गर्जन के साथ, तड़ित झंझा के साथ बहुत ही सीमित समय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन सीमित समय में होती है आपको देखने को मिलेगा कभी कभार। ओके, हमेशा नहीं होती, आप लोग सोचिए हमेशा होती है नहीं, हमेशा नहीं बल्कि कभी कभार आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण भारी वर्षा होती है प्लस विद्युत गर्जन के साथ में, विद्युत गर्जन के साथ में। ओके, विद्युत गर्जन के साथ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो और एक किधर से किधर की ओर चलती है, मतलब ये जो क्षेत्र है वो आपको बता देते हैं, जो सूडान वाला आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। ओके, जो सूडान वाला आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, इसी में चलती है ये, खार्तूम आपको एक जगह देखने को मिलेगी। खार्तूम, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, ये हबू पवन है, ये सूडान में चलती है, सूडान तो यहाँ पर है। ओके, सूडान ही यहाँ पर चलती है, जो अरब में चलती है वो दूसरी चलती है, इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जो हबू पवन है वो यहाँ पर सूडान में चलती है। ओके, यहाँ पर आपको सूडान देखने को मिलेगा, जो ये वाला एरिया है यहाँ पर देखने आपको मिलेगा। ओके, हबू सूडान कहाँ पर है? इस वाले रीजन में है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सूडान कहाँ पर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब वो थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर मैप बना दिए, आप यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर ये नहीं है, नीचे आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, जो नेक्स्ट है वो उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें आप जो ठंडी पवने हैं उनको, नहीं सॉरी, अभी एक लू बचा है, शायद कोई बच गया है क्या? 1 मिनट, इसमें हरमट्टन हो गया, ये हो गया। ओके, लू बचा है, चलिए लू को भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जो छठा नंबर आपको देखने को मिलेगा वो है लू। ओके, तो देखिए जो लू है वो कहाँ चलती है, वो तो भाई भारत में चलती है। ओके,
तो लू आपको काफी खतरनाक आपको देखने को मिलेगी। लू कहाँ तक से चलती है और किस मौसम चलती है? ये देखिए ग्रीष्म काल में चलती है, मतलब गर्मियों के मौसम में चलती है। अभी तक हम देख रहे थे वो कौन से मौसम में चल रही थी, शीत ऋतु में चल रही थी, लेकिन एक एक कौन से मौसम में चलती है, एक ग्रीष्म ऋतु में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कहाँ पर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थार का मरुस्थल। ये क्या है? थार का मरुस्थल है। ओके, इसी थार के मरुस्थल से आपको देखने को मिलेगा कि जो ऊष्मा होती है, जो तापमान होता है, वो वेव के रूप में चलता है, जिसको लू बोला जाता है। ये क्षेत्र होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसका तापमान है बहुत ज्यादा हो जाता है। लगभग में जब लू चलती है उस समय इसका जो तापमान होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो समय होता है वो आपको देखने को मिलेगा, इसका जो समय होता है वो आपको देखने को मिलेगा मई के समय, मतलब मई के समय, मई के माह में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और किधर से किधर के लिए आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से देखिए, दूसरे कलर से बताते हैं आपको। इस तरह से मतलब जो थार का मरुस्थल होता है, यहां से इस तरह से तरंगों के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ओके, तरंग के रूप में, तरंग के रूप में जो तापमान है उसका स्थानांतरण होता है, क्योंकि यहाँ पर तापीय प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। तापीय प्रवणता के कारण इस प्रकार की संरचना उत्पन्न होती है। तो ये बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा चलती हैं। और अगर इन इन लू के चपेट में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो ये उसको बहुत बुरी तरह से बीमार कर देती है। उसको बहुत तेजी से फीवर आता है, खांसी आने लगती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, हीट वेव है भाई। अब हीट वेव के सामने तुम आ जाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? तो यही क्या है, लू है, किस क्षेत्र में चलता है, कहां से चलता है, वो चीज आप लोगों ने देख ली। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठंडी पवनों के बारे में। ओके, अब हम लोग देखते हैं ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में। ओके, तो ठंडी पवनों में नंबर वन आपको जो देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा, वैसे तो बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो बोरा है वो काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। एक बोरा है और आपको दूसरी ये बोरा के साथ में एक मिस्ट्रल देखने को मिलेगी। ओके, कौन सी? मिस्ट्रल आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों क्या है, ये ठंडी पवने आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए कहाँ पर किस तरह से चलती हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको यूरोप देखने को मिलेगा, देखिए इस तरह से यूरोप कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए, ये लाइन खींच रहा है एक्चुअली, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, आप लोगों ने बोरा और मिस्ट्रल है इसको लिख लिया होगा, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ज्यादा स्पेस की जरूरत है। ओके, ये देखिए आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए ऊपर आपको देखने को मिलेगा यूरोप। ओके, देखिए ये क्या है, यूरोप है। ओके, और यहां पर इस तरह से आपको ये यूरोप इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए इस क्षेत्र में यहां पर आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ओके, और इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ये मौसम कौन सा है, ये शीतकाल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। शीतकाल में ये जो पबने हैं बोरा और मिनिस्टर है ये चलती है। देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और आपको देखने को मिलेगा जो भूमध्य सागर है यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। ओके, भूमध्य सागर है यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से ये पवने यहां पर चलती हैं।
ओके, इस तरह से पवने यहाँ पर चलती हैं। तो देखिए जो आपको देखने को मिलेगा फ्रांस और स्पेन में जो पवन चलती है, यही पवन फ्रांस जो और स्पेन में चलती है, यही जो पवन है जो फ्रांस और स्पेन में चलती है, ओके, तो जो फ्रांस और स्पेन में चलती है इसी को बोलते हैं, आपको देखने को मिलेगा मिस्ट्रल। ओके, किस नाम से जानते हैं? मिस्ट्रल के नाम से जानते हैं। ओके, लेकिन जो इधर वाली जो पवन देखने को मिलेगी इसको बोलते हैं बोरा। जो इटली में जो ये पवन चल रही है, ओके, जो इटली में चलती है, प्लस आपको देखने को मिलेगा जो एड्रियाटिक सागर के इधर चलती है, एड्रियाटिक सागर की ओर चलती है, ओके, तो इसी के लिए बोरा का नाम दे दिया गया। ओके, तो ध्यान रखना है। देखिए ये पवन क्या है, दोनों पवने हैं, ये एक ही है, लेकिन ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसी एक ही पवन को एक जगह बोरा का नाम दे दिया गया है और दूसरी जगह इसको मिस्ट्रल का नाम दे दिया गया है। और ये जो पवने होती हैं बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं और इस पूरे क्षेत्र को तूफान से ढक देती हैं, मतलब ये एक तरह से तूफानी पवने देखने को मिलेगी, इस कारण पूरे यूरोप में ठंडी ठंडी का माहौल हो जाता है। ओके, तो ये काफी भयावह आपको देखने को मिलेंगी। ओके, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से जो यूरोप वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में, ओके, ये कौन सा क्षेत्र है, ये आपको साइबेरिया वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा और साथ में आपको यूरोप वाला क्षेत्र मिलेगा, यानी कि उत्तरी यूरोप, और आपको साथ में देखने को मिलेगा कि उत्तरी साइबेरिया। ओके, साइबेरिया वाला क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रसिया का जो ऊपरी वाला पार्ट है, मतलब उत्तरी भाग है, वो पूरा पार्ट क्या है, साइबेरिया पार्ट देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा ठंडा आपको देखने को मिलेगा, यहां पर बनता है इस तरह से हाई प्रेशर जोन बनता है। ओके, और देखिए इसी हाई प्रेशर से फिर पवने चलती हैं लो प्रेशर की ओर, इस तरह से पवने चलती हैं और ये पूरे यूरोप में बहुत ही भयानक वाला तूफान लेकर के आती हैं, इसी को बोलते हैं, आपको देखने को मिलेगा ब्लीजर्ड। ओके, ब्लीजर्ड के नाम से जानी जाती हैं। यही जो ब्लीजर्ड है ये आपको देखने को मिलेगा, तूफान है, बर्फ के भयानक भयानक तूफान है। इनकी जो गति होती है वो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा देखने को मिलेगी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान चलते हैं। ये क्या है, बर्फीले तूफान है। ओके, तो लिख लीजिए नंबर एक हिम झंझावत के साथ में, हिम झंझावत के साथ में यहां पर बर्फीले तूफान चलते हैं, बर्फीले तूफान चलते हैं। और अगर हम इनकी गति की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान चलते हैं और पूरे आपको देखने को मिलेगा रसिया में, यूरोप में इस तबाही तबाही मचा जाते हैं, बहुत भयानक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए कैसे कैसे चलते, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। तो एक बोरा आपको देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरी में जो मिस्ट्रल है, तो बोरा और मिस्ट्रल है वो एक ही आपको चीज देखने को मिलेगी, बस इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और दूसरा आपको कौन सी देखने को मिलेगी, जो ब्लिजर्ड है ये आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये कहाँ पर उत्पन्न होती है, ये जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है और जो यूरोप वाला क्षेत्र है उस जगह ये उत्पन्न होती है, और ये पूरे यूरोप को क्या कर देती है, तूफानों से घेर देती है, मतलब बहुत ज्यादा भयानक आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसके अलावा जो एक है काफी महत्वपूर्ण है वो आपको देखने को मिलेगा, ये चौथे नंबर की, कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, एक एक है नॉर्दर्न। ओके, देखिए जो नॉर्दर्न है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, इस तरह से मैप बनाते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। ये भी देखिए ये शीत ऋतु में चलता है,
जो कनाडा वाला ये क्षेत्र होता है, तो ऊपर से इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, जो उत्तरी कनाडा जो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी कनाडा है, उत्तरी कनाडा है, यहां पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है और इसी से चलती हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से चलती हैं, तो इसी को नॉर्दर्न पवन कहते हैं। ये भी एक तरह से आपको हिम के तूफानी देखने को मिलेंगे, हिम का तूफान चलता है, ओके, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा यूएसए में, ओके, यूएसए प्लस दक्षिणी कनाडा में, ओके, इस क्षेत्र में इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, और यहाँ का तेजी से तापमान है वो कम कर देती है, तेजी से तापमान में कमी लाती है, तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से जो ठंडी पवनों के अंतर्गत दो और भी हैं जो थोड़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन वो सभी महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो उनके बारे में बता देते हैं। एक पापा गयो है, तो पापा गयो कहाँ पर चलती है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, देखिए इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको, ओके, तो इसी क्षेत्र में पापा गयो, जो पापा गयो मतलब थोड़ा सा अजीब सा नाम है इसका, तो पापा गयो ही इसका नाम है, तो पापा गयो की यहाँ पर एक खाड़ी है, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा ये चलती है, ये ठंडी और प्लस शुष्क पवन देखने को मिलेगी, ठंडी प्लस शुष्क पवन आपको देखने को मिलेगी, ओके, लेकिन ये तेजी के साथ में रुक रुक करके पवन चलती है। इसकी जो विशेषता है पापा गयो की, तो पापा गयो तो थोड़ा सा फनी नाम भी आपको लग रहा होगा, तो देखिए जो पापा गयो है तो ये आपको देखने को मिलेगा तेजी से चलती है, लेकिन ये बीच बीच में रुक जाती है, अचानक से चलती है फिर बीच में रुक जाती है, तो इस तरह से ये पवन चलती है, और ये ठंडी और शुष्क पवन आपको देखने को मिलेगी, ओके। इसी तरह से एक है जो दक्षिण दक्षिण अमेरिका में भी चलती है, वो काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताते हैं, ओके, आप लोग इस तरह से बना लीजिए, तो ये आपको छठे नंबर की आपको देखने को मिलेगी, पापा गयो है वो पांचवें नंबर की है, तो पापा गियो कहाँ पर चलती है, मेक्सिको की जो खाड़ी आपको एक देखने को मिलेगी, पापा गियो की एक खाड़ी है वहां पर ही आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पापा गियो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बता दिए आपके लिए ऐसी आ गया, तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस तरह से ये दक्षिण अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, ये दक्षिण अमेरिका क्यों नहीं बनना है, ओके बन गया, तो देखिए ये जो दक्षिण अमेरिका है यहां पर चलती है, जो एक कंपोस वाला जो मैदान आपको देखने को मिलेगा ब्राजील में, ओके, जो कंपोस घास का मैदान है ये आपको देखने को मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण है, यहां पर एक पवन चलती है जिसका नाम है फ्राई जेम, ओके, इंग्लिश में भी इसको फ्राई जेम ही बोलते हैं, ओके, ये ठंडी पवन आपको देखने को मिलेगी, जो ये पवन है ये मई और जून के महीने में चलती है, मई से जून के महीने में चलती है, आपको देखने को मिलेगा जब इस क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं, तो प्रति चक्रवातीय दशाओं के उत्पन्न होने के कारण यहां से ये पवने चलती हैं, ओके, तो इस मौसम में जब इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा प्रति चक्रवातीय प्रति चक्रवात के कारण इस पवन की उत्पत्ति होती है जो आपको फ्राइडे देखने को मिलेगी, ओके, इसके कारण इस क्षेत्र में लगभग में आपको देखने को मिलेगा -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, इसके अगर हम तापमान की बात करें, ओके, इस पवन के पवन उत्पन्न होती है, ओके, उत्पन्न होती है, इसके अगर हम तापमान की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, मतलब इतने तापमान में इस क्षेत्र में भी आपको कमी कर देती है, ओके, ओके, तापमान में कमी ला देती है, तो इस क्षेत्र को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, जो कि अच्छी चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, ओके, तो इतनी सारी जो पवने हैं वो आपको हम यहाँ पर पढ़ाई हैं जो काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वैसे तो कोई सॉरी महत्वपूर्ण निकल गया है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, आपको अन्य जो पवने देखने को मिलेंगी उनकी सिर्फ लोकेशन देख लेनी है,
जितनी भी महत्वपूर्ण पवने थी वो हमने सभी की सभी आप लोगों को पढ़ा दी हैं। ओके, इसके अलावा बस आपको क्या देख लेना है, लोकेशन देख लेना है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, स्टार्टिंग में हम लगाए भी होंगे कहीं पर, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, जैसे ये वाला कौन सा है, देखिए यहाँ पर ही हबूब चलती है। ओके, सूडान क्योंकि यहाँ पर है, वो ऊपर मैं बता दिया था, ऊपर जो चलती है वो चलती है खमसीन चलती है। ओके, तो ये वाली चलती है, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, तो वो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, वैसे तो वहां पर ही करा दिया था। तो देखिए चिनूक आपको देखने को मिलेगा, इधर देखिए जो हम आपको बताए थे नॉर्थर इधर चलती है। ओके, इधर आपको देखने को मिलेगा नॉट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी, इधर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो ए है ना, बस इनकी लोकेशन देख लेनी है, बस जो भी महत्वपूर्ण थी वो हम आपको पढ़ा दी है। ओके, अब क्या करना है आपको, बस इनकी लोकेशन देख लेना है, किस लोकेशन पर चलती हैं और ये प्रकृति कैसी है, ठंडी है या गर्म है, बस इतना ही देख करके छोड़ देना है, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण थी वो सब हम आपको पढ़ा दिए। ओके, चलिए एक बार चलते हैं हम लोग जो दैनिक पवने हैं उनके ऊपर। ओके, दैनिक पवने अभी हमने आपको नहीं पढ़ाई है, तो दैनिक पवनों को हम आपको पढ़ा देते हैं। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा।